मैं बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी हूँ, बेटी, हाँ मैं ही लक्ष्मी हूँ, मैं ही सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूँ, मैं ही काली। जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची खुची जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है और लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है और लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताओ ना, बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। मस्ती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना सब बहुत मुश्किल है। रोहित, मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। पर प्लीज प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। प्लीज रोहित, ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। पर रोहित, चूज वन, बेटी या मैं। रोहित, रोहित प्लीज, रोहित रोहित मेरी बात सुन लो। रोहित प्लीज, मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। अब मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित नहीं होने दूंगा।
जाएगी तू। ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी, बाहर आकर तो किसके साथ खेलेगी, क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है, और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है। बाहर आओगी तो तुम मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ अंदर मुझे बहुत डर लग रहा है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, मत आ मत आ तो मत आ मत आ तो बाहर ही मत आ। सरस्वती, मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूं और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूं और मैं ही संतोषी, और मैं ही हूं अन्नपूर्णा। आप सब? हां,
ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दू, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दू, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दू, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दू, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोले फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है। जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं, हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम मरते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यह सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की फूल सी होती है बेटिया, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटिया। रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाज ढोती है बेटिया, फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटिया। क्यों क्यों नहीं चाहिए बेटिया? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटिया क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आके कसूर क्या है हमारा? हमारा चाहता है हमें, क्यों नहीं चाहिए बेटिया? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? गलती नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो।